अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रशीद बलोच। कल रात मुझे पता पड़ा कि कराची में किसी बॉक्सर की जो है रिंग में पंच लगने से इंतकाल हुआ है। तो बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और लवाकीम को जो है सब्र जमील अता फरमाए। ये बड़ा हार्ड वक्त होता है, किसी अपने को गंवा देना बहुत मुश्किल वक्त होगा ऑफकोर्स उनके लिए। दुआ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जो है ये होती हैं, बॉक्सिंग के अलावा स्पोर्ट्स जो भी है, कॉम्बैट स्पोर्ट है, उसके अलावा भी जो दूसरे स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अलावा भी होती हैं ये हर साल। अल्लाह सबको सलामती दे। इसमें एक बस एक मैसेज देना चाहूंगा कि कोशिश करें हमारे जो कोचेज हैं, हमारे बॉक्सर्स हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो जो है ना थोड़ा एजुकेट होने की कोशिश करें, थोड़ा देखें सीखें चीजों को, पढ़ने की कोशिश करें। आजकल इंटरनेट है, ऑनलाइन हर चीज आप देख लेते हैं, तो उसमें देख लें। जरूरी नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी जाके ग्रेजुएशन करें इसके लिए। सिंपल सी चीजें हैं, हमारे कोचेज को देखना होगा कि बॉक्सिंग ग्लव्स जो है बड़े वाले इस्तेमाल करें, स्पारिंग के वक्त वैसलीन वगैरह लगा के हेड गार्ड होना चाहिए, माउथ गार्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें प्रोटेक्शन पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद जो स्पायरिंग कराएं। अदरवाइज अगर स्पायरिंग में महीने भी नहीं होती है ना हो, मुझे पता है आप पाकिस्तान में पूरे यही हाल है, क्लबों में सामान पूरा नहीं होता है, तो यार सामान कोशिश करें जिस तरह भी हो सकता है। अगर आपकी फेडरेशन सपोर्ट कर सकती है, स्पोर्ट बोर्ड कर सकता है, कोई भी आप स्पॉन्सर ले सकते हैं तो प्लीज करें। माँ बाप जो है वो अगर लेके दे सकते हैं बच्चों को हेड गार्ड वगैरह, ग्लव्स अच्छे एटलीस्ट उनके लिए लेके दें, या बच्चों को एटलीस्ट इतना बताएं कि स्पायरिंग ना करें, अगर वहां ग्लव्स नहीं है क्लब में तो स्पायरिंग ना करें। कोचेस भी इस चीज को देखें। और उसके अलावा जो है ये चीजें जो है ना बैकग्राउंड में जो काम हो रहा होता है उसके बाद ये रिंग में जो है एंड अप होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। लड़के कम कर रहे होते हैं वजन, खाने पीने का कोई पता नहीं होता है, न्यूट्रिशनिस्ट के जो है ना कोर्सेज होने चाहिए, मालूम होनी चाहिए, और कोचिंग की क्लासेस होनी चाहिए, रेफरी जजिंग को जो है ना ट्रेनिंग करानी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। जो हमारी तरफ से, मैं पाकिस्तान जो हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग करा रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल जितना सख्ती से होता है, मेडिकल वजन पे हम जो है ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, वजन में कोई कमी नहीं होती है, और उसके अलावा जो है जो न्यूट्रिशनिस्ट का जो कोर्स है वो भी हम शुरू कराएंगे इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से। मेडिकल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके कोर्सेज होते हैं, उनको कोर्स कराए जाते हैं और वो रिपीट होते हैं, तो वजह यही होती है कि वो सारे जो है ना फ्रेश होता रहे, जो भी उनका कोर्स होता है उनकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो ये हमारी तरफ से तो ये कोशिश है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स है उनके लिए मैं सिर्फ यही एक सजेस्ट करूंगा कि जो है ना इस चीज पर सख्तियां करें, मेडिकल वगैरह करें लड़कों के पहले, और बच्चे भी अपने जो है ना तवज्जा दें। इंटरनेट पर रहना आजकल बहुत ज्यादा हो गया, तो रेस्टिंग पीरियड जो है ना ट्रेनिंग के बाद आपकी बॉडी में जो डैमेज होती है छोटी अंदरूनी इनसाइड बॉडी के जो होती है, उसको रिकवरी के लिए जो है ना रेस्ट चाहिए होता है, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। जब आप देखें स्पोर्ट्स में जब आ जाते हैं ना तो आपको बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाती है, एक शौक तो होता है लेकिन जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं, अपनी बॉडी की सेफ्टी, अपनी जो है ना सारा ये आपका काम होता है। कोचेस भी उसमें कोशिश करें, उसमें बताएं बच्चों को, तो पेरेंट्स हैं वो इन चीजों को देखें, इन चीजों को, तो प्लीज मेरा ये मैसेज अगर कहीं पहुंचा सकते हो तो पहुंचाएं। और ऑफकोर्स हम शौक रखते हैं स्पोर्ट्स का, करते हैं, ये चीजें भी होंगी, लेकिन कौन छोड़ता है स्पोर्ट्स, कोई नहीं छोड़ेगा। कॉम्बैट स्पोर्ट्स वो भी इसी तरह कोई नहीं छोड़ता, जो शौकीन है वो खेलेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इस रिस्क को हम, तो काइंडली ये चीजें करें। बच्चे जो है ट्रेनिंग करें, रेस्ट करें अच्छी तरीके से, अपना पानी वगैरह का, गजा का अपना ख्याल रखें, उसके बाद जो है ट्रेनिंग के दौरान ये हेड गार्ड ग्लव्स ये इसके बगैर स्पायरिंग ना करें, और फ्लोर पे कोशिश करें कि उस पर जो है ना मैट्रेस वगैरह हो तो फिर स्पायरिंग करें। वहां मैंने फ्लोर देखे कि वो मार्बल के फ्लोर या फिर पथरीले होते हैं उस पर जो है ना स्पायरिंग हो रही होती है, अगर वो नहीं मिलती है तो कम से कम कच्ची मिट्टी में कर लें, वो फिर भी एटलीस्ट कम हो जाता रिस्क। अगर वहां पे मैट्रेस नहीं है तो फर्श वगैरह पे करने से जो है ना गुरेज करें, अगर सर्वर लग जाता है उसके ऊपर तो खुदा ना खास्ता ये बहुत देखें। जरूरी नहीं है कि आपकी वहां स्पायरिंग में डेथ होनी है, आपको लग गई चोट, आप डैमेज लेके आप जो है ना उसके बाद सीटी स्कैन वगैरह यहाँ होते नहीं है पाकिस्तान में, तो वो भी जो है ना उस पर भी तवज्जो दें। सीटी स्कैन वगैरह होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह ये वो, और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है फाइट से पहले, उससे पहले एक दिन पहले जब वजन वगैरह होते हैं वो होने चाहिए, तो काइंडली इस पर जो है ना थोड़ा गौर करें। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला उस बच्चे को जो है जन्नत में आला मकाम दे। मैंने उसके फोटो देखे, बहुत खूबसूरत प्यारा जवान है, बस अफसोस ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं उसके लिए, अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम दे और तमाम जो लवाकीन है उनको सब्र दे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।